यहाँ से डालो इसके अंदर डालो 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 गाइस ये है गिन्नी अपने स्कूल देखो गाइस बैग भी ना स्कूल वाले परचेज कर रहे इनके साथ अरे वाह वाह गिन्नी मिन्नी भी बनाओ बेड मिन्नी वाले बेड गाइस मैंने पोहे को ना 10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दिया ठंडे पानी में अब उसी तरीके से बना रही देखो 10 मिनट अच्छे से फूल भी गया ना सॉफ्ट हो गया यहाँ पे प्याज कट कर ली शेप में टमाटर टमाटर से तेल में भून के और प्याज के साथ मूंगफली ऐड कर दूंगी मैं भूनने में दिखाती हूँ कैसे पहले थोड़ा सा लहसुन भून लिया मैंने फिर उसके बाद ये प्याज प्याज के साथ ही तले और ये मैंने एक मुट्ठी कच्ची मूंगफली लिया प्याज के साथ ही भून लो इसको भी ताकि टमाटर डालने के बाद नहीं भूलेगी पहले भून लेंगे थोड़े से डाल लेते हैं और प्याज और मूंगफली को मैं अपना भून लेती हूँ के बाद मैंने पानी निकाल देंगे देखिए कितना खेला खेला सा देखो लास्ट टाइम तो मेरा बिल्कुल अजीब सा बन गया था देखो और मैंने टमाटर ऐड कर दिया इसमें थोड़ा हल्दी नमक धनिया पाउडर ऐड कर दिया मिक्स में बाद में ऐड करूँगी थोड़ा सा गिन्नी के लिए निकाल लूँगी तो इसको टेस्ट करवा लूँगी अगर खाएगी तो थोड़ा अच्छा इसके अंदर फिर बाद में ऐड कर दूँगी पोहा हाँ और मेरे प्याज टमाटर जो सब कुछ भून गया मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पोहा देखिए कितना खिला खिला बन रहा है प्रोसेस जब नहीं पता था तो चीज़ें ऐसे बन जाती हैं ख़राब बट अब मेरे को पता लग गया तो अच्छा ही बनेगा पिछली बार मेरा चिपका चिपका हुआ था लास्ट वक्त में जब मैं दिखा बना रही थी क्योंकि मैंने कुकर में सिटी लगवा दी थी ना इसमें पता नहीं था मुझे इसको भिगो के रखते हैं पानी में और गाइस काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं हम गिन्नी के प्ले स्कूल के लिए पर कुछ स्कूल काफ़ी दूर हैं कुछ पास में वो अच्छे नहीं है अब एक स्कूल देखा वो काफ़ी पापा जी देखे हैं ठीक लग रहा है तो गिन्नी का एडमिशन वहीं करवाएंगे आज देखने जा रहे हैं मैं पापा जी देखा है मैं संदीप और देखने जा रहे हैं आज कैसा है और गिन्नी को साथ में लेके जा रहे हैं तो गिन्नी को कैसा लगता है बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है सुबह सुबह हो नहीं रही थी टाइम हुआ वैसे 10 सुबह तो क्या है पर इसकी भी तो सुबह आज इसकी देखिए ऐसी चोटी की बनती है दो पिन लगाई है और आगे रबड़ वाली चोटी और न्यू वाली ड्रेस बनाई इसको फ्रॉक बस हम जा रहे हैं अभी बस संदीप कुछ काम गए हैं 5 मिनट घर से निकल रहे देखते कैसा लगता हमें और जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी कैसा गिन्नी का फूल कैसा नहीं निकल गए संदीप की गोदी है गिन्नी आज गिन्नी की पार्टी है गिन्नी स्कूल जा रहे हैं स्कूल देखने कह रहे आज गिन्नी की पार्टी है बाहर निकलते इसको लगता है कि पार्टी में जाने के तैयार हो गए वाला स्कूल देखा था ये बिल्कुल घर के पास है देखो ये वाला दिखाई दे रहा है पर यहाँ पे ना मतलब प्ले स्कूल में इतना वो नहीं है बच्चों का नर्सरी स्टार्ट है हमें प्ले में डालना था क्योंकि प्ले में बच्चों के टॉय वोए बहुत सारी चीज़ें होती हैं खेलने के लिए एक्टिविटी ज़्यादा होती है इस वजह से पर हम इसमें नहीं डाला अब इसके पास ये दूसरा जो ओनली प्ले स्कूल के लिए उसमें वो देखा गिन्नी के लिए गिन्नू हाय गाइस ये है गिन्नी प्ले स्कूल देखो फर्स्ट फ्लोर पे देखो कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी है मतलब बाहर से कितना अच्छा उधर से है ऑफिस उधर से देखो रहा इधर से है तो सब कुछ बहुत अच्छे से है काफ़ी बड़ा है वैसे भी पर प्ले ओनली प्ले के लिए प्ले से एंट्री करते हैं ये गिन्नी टॉय हैं बच्चों के लिए देखो सब कुछ क्या क्या एक्टिविटी है देखो यहाँ पे स्लाइडिंग वाले देखो वैसा झूला सब सच में बहुत अच्छा है तो ना बच्चों के हिसाब से गिन्नी की हाइट भी नाप सकते हैं हम ऊपर है क्या अच्छा ये जीता
और ये वाला एरिया मेरे को सबसे बेस्ट लगा। एंट्री करते बच्चों के सारे टोए हैं, हर तरह के स्लाइडिंग झूला, ऐसे निकलने वाला बोल्स वाला, बहुत सारे झूले हैं यहाँ पे, बहुत सारे टोए हैं, सॉफ्ट टोए हैं। और यहीं पे रिसेप्शन है इनका, बॉल का, फुटबॉल के लिए, और रॉकिंग वाला चेयर, ये सब चीज़ें, और इस तरह से यहाँ पे डांस के लिए स्पीकर वगैरह, ये रॉकिंग वाले। और इसके बाद हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ओ चलो चलो, वाह वाह, अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको? अरे बहुत अच्छा, वाह अच्छा लग रहा ना। अब हम जा रहे हैं ऊपर। हम इसी वजह से नहीं करवा रहे थे, स्कूल में प्ले में थोड़े बच्चे की एक्टिविटी, बच्चों की खेलने चीज़ें, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से हम प्ले को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं पहले। वैसे तो 3 साल के हो रहे, सब कह रहे हैं नर्सरी में, बट हम इतना बर्डन नहीं डालना चाहते जिन्नी के ऊपर अभी से। बोलो गुड मॉर्निंग करो, करो करो। प्ले रूम है, देख जंपिंग वाला ठंड निकाल देते, देख जंपिंग वाला ना, वाओ। टीवी भी यहाँ पे तो बच्चों को देखने के लिए, अच्छा लग रहा है आपको? और वाओ यहाँ पे सीटिंग भी काफी अच्छी है, टेबल चेयर बच्चों के। और देखो गिनी, मिक्की माउस मिनी सब बने हुए हैं, बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। देखो थर्ड, अगर किसी बच्चे का बर्थडे तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। और देखो काफी अच्छा लगा हमें सच में, ये स्टडी रूम लगा लो। बच्चों पढ़ाते तो क्या, मतलब खेलना आते ज्यादा, पर सीटिंग उठना बैठना सब चीजें सिखा देते हैं यहाँ पे। काफी अच्छा लगा मुझे सच में, बहुत ज्यादा अच्छा। एक रूम ये है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दो रूम ऐसे टेबल चेयर मतलब सिटिंग वाले। और यहाँ पे नीचे मैट बिछा रखा है, मतलब ब्लॉक टाइप मैट है। और यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि ब्लॉक्स वगैरह बच्चों के, और ये रॉकिंग वाले झूले, और साथ में टीवी भी है। और इसके साथ ही पेंट्री है, काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए कुछ गर्म करना, खाना वाना है, बहुत सारी चीज़ें। और ये जो रूम है, अगर डे केयर के लिए, फुल डे के लिए बच्चों को छोड़ना, तो यहाँ पे बेड भी है, अगर बच्चे की तबीयत ख़राब तो बेड भी है यहाँ पे। मिनी वाले बेड बने हुए हैं बच्चों के लिए, बुक्स यहाँ पे, और ये मोगली की पेंटिंग है, मोगली बगीरा बल्लू, आजकल बच्चे बड़े देखते हैं कार्टून शेर खान, तो ये पेंटिंग बनाना था कि बच्चे थोड़ा, बच्चे का मन लगा रहे इन सब चीज़ों से। और सबसे स्पेशली बच्चों के लिए मिनी वाले बेड बना रखे हैं, मिक्की माउस वाले, अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है और डे केयर के लिए रखना, तो यहाँ पे है इनका ये रूम। नेक्स्ट रूम हम चल रहे हैं, ये है मोटू पतलू की पेंटिंग, और नेक्स्ट रूम जहाँ पे बच्चे हैं, बैठे हुए बच्चे, और ये है यहाँ पे बोर्ड है, और छोटा भीम की पेंटिंग है यहाँ पे। और बच्चों का ये है स्टडी रूम, अभी यहाँ पे और बच्चों स्टडी, और यहीं पे है सब बच्चे, और साथ में एसी प्रोवाइड किया हुआ है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे, और हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को देख सकते हैं कि क्या कर एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरे क्या नहीं कर रहे। और हम जा रहे नीचे वाले फ्लोर पे फिर से, मम्मा पर हम जा रहे नीचे, गिन्नी की फोटो क्लिक करेंगे। हाँ गिन्नी की, गिन्नी को झुलाना है यहाँ पे, उधर से रास्ता है। स्लाइडिंग, वाओ, अच्छा लग रहा है गिन्नी को? हाँ आपका भी यहीं पे है, अच्छा एडमिशन के लिए, ऊपर ऊपर ये एरिया मेरे को सबसे बेस्ट लगा। वैसे तो सारा ही अच्छा है ये, बट ये वाला एरिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। फोन वोन का है यहाँ पे, रिसेप्शन का है, और ये सारा एरिया। गिन्नी अभी तब तक घर जाने से पहले थोड़ा देर झूल रही है यहाँ पे संदीप के साथ।
गिनी का यही एडमिशन का मुझे दी बेस्ट लगा स्कूल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बच्चे कम है और स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अरे वाह गिनी कर रहा है स्लाइडिंग, ये कैसे भी झूलना आपको इस वाले में इसके अंदर 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 खेलते थे, अंदर खेलते शायद अंदर। चलो आओ खड़ा कर दो गिन्नी को जाएगी तो जरूर इसके अंदर जाके खेलेंगे बोल से, अंदर जाके खेलना चलो इसके अंदर जाओ, इसके अंदर से चलो गिन्नी चलो लो, आओ 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 लेके आओ 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 आओ। गिन्नी का नहीं आगे सच में मन लग गया, ये पता नहीं बाद में लगे ना लगे पर यहाँ पे टॉय को देख के खेल जैसा मन लग गया। तो संदीप तो का बच्चा चले घर के पास ही हमारे, तो मैं रुक गई गिन्नी खेल लेगी तो आराम से थोड़ा गिरते इसको खेला के फिर जाते जाते। अभी ना कैमरे लगे सबसे बेस्ट चीज़ ये है, कैमरे लगे बच्चों के लिए सीटिंग के लिए, बच्चों के लिए सोफे है हाथी का, ये मंकी का एलिफेंट और मंकी का, ये स्कूल की ड्रेस है गिन्नी की जो ऐसी होगी। ये दोनों बच्चे रो रहे हैं इनको मम्मा के पास जाने से, जैसे आज बेटा इधर आओ आओ इधर आ रहे हैं मम्मा ठीक है, मम्मा के पास कॉल किया अभी आ रहे हैं मम्मा ठीक है, आ रहे हैं मम्मा ठीक है इनके साथ। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह खेलो खेलो, हाँ 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 नहीं खेलो खेलो करो 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 शाबाश खेलो खेलो आप भी खेलो आप भी खेलो बीबी, देखिए बच्चे स्लाइडिंग करेंगे तो करो स्लाइडिंग, गिन्नी ऐसे करते हैं जैसे भैया करेंगे स्लाइडिंग। तुम नहीं खेल रहे कुछ, तुम्हें नहीं खेलना, नहीं खेलना तुम्हारे तो सबके सेम सेम बैग है, वाओ स्कूल से ही मिल रहे शायद है ना गाइस, एक बैग भी ना स्कूल वाले परचेज करवा रहे हैं। हाँ देखो तभी तो सबके सेम सेम बैग है डोरेमोन का, हाँ बेबी हाँ बेबी, अरे वाह तुम तो सच में बहुत अच्छे झूलते हो, अरे वाह क्या बात है तुम्हें झूलना आता है, अरे वाह हाँ तुम भी झूलो चलो शाबाश झूलो झूलो झूलो, अरे वाह तुम भी झूलो इस वाले पे कोई बात नहीं। स्पीकर से बच्चों के लिए गाने वाने चलते हैं डांस के लिए, ये डांस एरिया भी है, मम्मा आ रही बेटा आ रही है, सारे बच्चे मेरे चिपके करे मम्मा को बुला दो। और गाइस अब हम जा रहे हैं घर, तो गिन्नी का ये प्ले स्कूल है, प्ले नर्सरी एलकेजी यूकेजी शायद फर्स्ट तक है, ऊपर जिसने ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों के टॉय हैं फर्स्ट फ्लोर पे हैं प्ले स्कूल, इससे ऊपर है जो सेकेंड फ्लोर है वहाँ पे हम गए नहीं, वहाँ पे क्लासेस लगी हुई थी बच्चों की, वहाँ पे नर्सरी एलकेजी यूकेजी और फर्स्ट ईयर बच्चे हैं बड़े बच्चे, बट हम वहाँ पे गए नहीं थे क्योंकि क्लासेस लग रही थी। अब हम जा रहे हैं घर, काफ़ी सही लगा मेरे स्कूल, सबसे बड़ी बात है कि घर के पास है, सेकेंड थिंग कि कैमरे लगे हुए हैं, हम अपने बच्चों को अपने फ़ोन से मतलब कैमरे की वो दे रखी है फैसिलिटी दे रखी है ताकि हम अपने बच्चों को देख सकें फ़ोन से, मतलब फ़ोन से भी हम अपने बच्चों को देख सकते स्कूल में क्या कर रहा बच्चा क्या नहीं, कैमरे की फैसिलिटी दे रहे हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है ये ताकि उन्हें बच्चे को भी ध्यान रखें हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं स्कूल में, सारी चीज़ें हैं और टॉय भी हैं, टीचर भी अच्छी है काफ़ी ठीक लगा। अब हम गिन्नी का यहीं पे करवाएंगे बस, हम घर पहुँचे घर के बिल्कुल पास है स्कूल, चले चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।